हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन अ सेट ऑफ रिएक्शंस इथाइल बेंजीन यील्डेड अ प्रोडक्ट डी। डी वुड बी, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कौन सा है। इस क्वेश्चन का हमारा की कंसेप्ट है वो क्या आ जाएगा, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, क्योंकि इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले गिवन है इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन के साथ क्या रिएक्ट कर रहा है, पोटाशियम पर मैग्नेट इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो हमारे पास CH2 CH3, ये हमारा इथाइल बेंजीन है, ये पोटाशियम पर मैग्नेट से रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ KOH। अब हमारा जो पोटाशियम पर मैग्नेट है दैट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन की एडिशन करेगा। तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा दैट इज बेंजोइक एसिड, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की एडिशन हो जाएगी। तो हमारा बेंजोइक एसिड क्या है, बी। अब हमारा बी रिएक्ट कर रहा है बी ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, दैट मींस यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो रही है। तो हमारा बी बना है, जो बी क्या बना हमारा, बेंजोइक एसिड, इट रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो हमारे पास यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी जिसमें क्या होगा, ब्रोमीन सब्सिट्यूट होगा। अब ब्रोमीन कौन सी पोजीशन में सब्सिट्यूट होगा, ये होगा हमारा मेटा पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि जो बेंजोइक COOH ग्रुप है इट इज एन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन होगी ब्रोमीन की वो कौन सी पोजीशन पे होगी, मेटा पोजीशन। तो हमारा ये क्या बन गया, सी प्रोडक्ट। हमने फाइंड करना है डी को, तो हमारे पास यहाँ पे बन गया 3-bromo-बेंजोइक एसिड है हमारा ये। अब हमें इसे ट्रीट करना है किससे, अल्कोहल C2H5OH, ये हमारा क्या है, इथेनॉल, और इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। एच पॉजिटिव का मतलब एसिडिक रिएक्शन हो रही है। तो हमारा जो अल्कोहल है वो किसे अटैच हो जाएगा, एच को रिप्लेस कर देगा किससे, C2H5 से, और यहाँ से क्या होगा हमारा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे ब्रोमीन तो अटैच रहेगा ही रहेगा, तो इसका मतलब C2H5 ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया H को रिप्लेस करके, प्लस हमारा वॉटर बन गया, तो ये हमारा D बन गया। तो इसमें कौन सी ऑप्शन बनती है हमारे पास, ऑप्शन ए। इसमें देखो COC2H5 यहाँ पे मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक।